अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमताज न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा। आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज HD चैनल। आज की अहम खबर शामिल करते हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, रिपोर्ट हाजी मोहम्मद नासिर कादरी, ब्यूरो चीफ मुमताज न्यूज HD। जहां पर जारी क्रिकेट टूर्नामेंट रफीक शाह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके होने वाले रमजान कप के दूसरे मुकाबले में रवाज शाहीन ने सईद 11 कोठे मिनहासा को 113 रन से शिकस्त देकर वन साइडेड मुकाबले अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रवाज शाहीन ने 181 रन का एक शानदार हदफ सेट किया, जिसने सुहैल शाह की शानदार 78 रन की इनिंग्स रही और रेहान ने भी 49 रन बनाए, जिसके ताकुब में सईद 11 इस अच्छी बल्लेबाजी ना कर सके। रवाज शाहीन की जादुई स्पिनर्स ने खेलने का मौका ही ना दिया और पूरी टीम सिर्फ 68 रन पर ढेर कर दिया। उस्ताद लियाकत पोलो ने 3, रेहान और सकलेन रहमान ने 2-2, परवेज भाई और उस्ताद भुट्टा ने 1-1 विकेट हासिल किए और मुकाबला अपने नाम किया। वेरी वेल प्लेड जीत कर जियो मैच जीतने पर टीम स्पॉन्सर हाजी मोहम्मद नासिर कादरी की जानिब से खिलाड़ियों को इनाम के हौसले साथ हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर नजर हुसैन खसाना मौजूद थे।